नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सूर्या प्रजापति, आप देख रहे हैं सूर्या इन्फो। पिछले सैटरडे को हमने आपको माँ भद्रकाली के दर्शन करवाए और वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन दी। तो आज हम उसी मंदिर के पास में स्थित श्री चिन्नू भाई माधवलाल जी की प्रतिमा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। सर चिन्नू भाई माधवलाल जी ब्रिटिश भारत के पहले हिंदू बैरनेट थे, जिन्हें चिन्नू भाई माधोलाल रुचौरे लाल के नाम से भी जाना जाता है। वे अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मालिक भी थे। उनका जन्म 26 मई 1864 को हुआ था। 52 वर्ष की आयु में 3 मार्च 1916 में उनका निधन हो गया था। वे भारत के बहुत बड़े परोपकारी थे। आपको ये जानना जरूरी है कि उनके प्रभुत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 21 सितंबर 1933 को महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर के पास सर चिन्नू भाई की इस प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी अध्यक्षता उनके पुत्र गिरजा प्रसाद सर चिन्नू भाई माधोलाल रणछोड़ लाल द्वितीय बैरनेट और कई प्रसिद्ध नागरिक, सरकारी अधिकारी और भारतीय नेताओं ने की थी। इस उपलक्ष्य पर महात्मा गांधी ने गुजराती में एक भाषण भी दिया था और उन्होंने कहा था कि सर चिन्नू भाई द्वारा किए गए दान की सूची को सुनते हुए मुझे लगा कि सर चिन्नू भाई का दान विश्व प्रसिद्ध पारसी दान से मेल खाता है। मैं सर गिरजा प्रसाद के माध्यम से शहर के संपन्न लोगों को परोपकार के मार्ग पर चलने की कामना और संदेश देता हूँ। सर चिन्नू भाई माधवलाल जी द्वारा अहमदाबाद को दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में रखा गया था। उन्होंने परोपकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सियासत के पैमाने पर पैसा दान किया, जिसके कारण माधवलाल रणछोड़ लाल छोटे लाल हाई स्कूल, माधवलाल बोर्डिंग, रणछोड़ लाल छोटा लाल तकनीकी संस्थान अहमदाबाद में संस्कृत स्कूल, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, सिडेनहम कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव पड़ी। अहमदाबाद में एक सड़क का नाम उनके नाम पर सर चिन्नू भाई रोड रखा गया है। अहमदाबाद में एक अस्पताल जो उनके प्रयासों और फंडिंग के कारण शुरू किया गया था, अब उनके नाम पर सर चिन्नू भाई माधवलाल बैरनेट अस्पताल रखा गया है। इस तरह के कई परोपकारी काम सर चिन्नू भाई माधवलाल जी ने किए थे, जिसके कारण आज भी वो हम सबके बीच में है। वह अपने किए गए परोपकारी कामों से अमर है। हम सबको भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर परोपकार में अपने जीवन का कुछ हिस्सा और कमाई लगानी चाहिए। सर चिन्नू भाई के बारे में हमने आपको संक्षिप्त में कुछ जानकारी दी है। वैसे इनके परोपकारी कामों की लिस्ट काफ़ी विस्तृत है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।